नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूं राज मोहन तिवारी। बिहार उपचुनाव को लेकर सभी उम्मीदवार और दल जनसंपर्क अभियानों में लग गए हैं। चुनाव बाद जनता से दूर रहने वाले नेता चुनाव आते ही जनता से मिलने की कितनी चाहत रखते हैं, ये तो आप अपने क्षेत्रों में देख ही रहे होंगे। नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, इनके बीच की जुबानी जंग भी तेज हो गई है। आज हम इस कड़ी में किशनगंज विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की चर्चा करेंगे। ये सीट कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद के सांसद बन जाने की वजह से खाली हुई। महागठबंधन से कांग्रेस ने इस सीट पर मोहम्मद जावेद की मां सईदा बानू को टिकट दिया है और बीजेपी ने स्वीटी सिंह को एक बार फिर से मैदान में उतारा है, जो कि पूर्व विधायक सिकंदर सिंह की पत्नी है। इस सीट पर कांग्रेस की हमेशा से ही पकड़ रही है, जिसका कारण है यहां पर मुस्लिम समुदाय का सर्वाधिक जनसंख्या होना। इस सीट पर मुस्लिमों की संख्या 65% है, जबकि हिंदुओं की 35%, और इस वजह से AIMIM ने भी यहां अपना उम्मीदवार कमरुल होदा को मैदान में उतारा है। कांग्रेस के लिए चिंता करने की केवल एक कारण यह नहीं है कि AIMIM ने अपना उम्मीदवार यहां से उतारा है, बल्कि दूसरा कारण है कांग्रेस के ही नेता इमरान आलम का बागीबान निर्दलीय चुनावी मैदान में आना और मुकाबले को चतुष्कोणीय बनाना, जिससे मुस्लिम वोटों का बिखराव होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जो कि शायद बीजेपी के लिए फायदेमंद हो। अगर पिछले चुनाव को देखें तो इस सीट का इतिहास रहा है कि इस सीट से मुस्लिम ही हमेशा से जीतते आ रहे हैं। केवल 1967 में प्रजा समाजवादी पार्टी के सुशीला कपूर ही एक गैर मुस्लिम है जो यहां से जीत सकी हैं। RJD यहां से आखिरी बार 2005 में जीती थी। उसके बाद 2010 विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ी कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने बीजेपी के स्वीटी सिंह को काफ़ी नज़दीकी मुकाबले में 264 वोटों से हराया था। 2015 में भी जब कांग्रेस JDU और RJD की महागठबंधन बनी तो उसमें भी ये सीट कांग्रेस के ही खाते में रही और एक बार फिर मोहम्मद जावेद बीजेपी की स्वीटी सिंह को हराकर विधायक बने। अब जबकि वे सांसद बन गए हैं तो कांग्रेस आलाकमान ने उन्हीं की मां को टिकट दिया है, पर इस बार लड़ाई काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगी उनके लिए, क्योंकि एक तरफ तो उनके अपने ही पार्टी के नेता मैदान में हैं तो दूसरी तरफ AIMIM के उम्मीदवार कमरुल होदा भी चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और उन्हें वहां की जनता का समर्थन भी मिल रहा है। तीन प्रमुख मुस्लिम नेताओं के इस सीट पर चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोटों के बिखराव होने की आशंका बढ़ गई है और लंबे समय से इस सीट पर जीत की राह देख रही बीजेपी के लिए शायद इससे बेहतर मौका नहीं होगा कि वो इस मुस्लिम बहुमत वाले सीट पर भी जीत हासिल कर सके। अब देखना होगा कि 21 अक्टूबर को होने वाले इस उपचुनाव में जनता किसे अपना विधायक चुनती है। वहां की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी महागठबंधन छोड़ बीजेपी में जाने से काफ़ी नाराज है और खबरों के अनुसार महागठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार सईदा बानू किशनगंज सीट से जनता की पहली पसंद बनती दिख रही हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुँचे।